अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरकातुहू। शेख, हमारा सवाल ये है कि अगर किसी के गुर्दे फेल हो गए हैं तो क्या वो अपने किसी रिश्तेदार का गुर्दा ऐसे कुछ लगा सकते हैं? जी शेख, बहन का सवाल है कि किसी का गुर्दा अगर फेल हो किडनी गया है तो किसी दूसरे इंसान का गुर्दा क्या वो ट्रांसप्लांट करवा सकता है या नहीं। तो जी इसमें सही बात यह है कि वो करवा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। करवा सकता है, इसकी वजह यह है जी कि इंसान के पास दो गुर्दे होते हैं, जिससे आप गुर्दा ले रहे हैं या जो आपको डोनेट कर रहा है, तबर्रुक कर रहा है गुर्दा, उस आदमी के पास दो गुर्दे हैं और मेडिकली वो आदमी एक गुर्दे के साथ जिंदगी गुजार सकता है। अब अगर वो एक गुर्दा किसी दूसरे इंसान को दे देता है तो उस इंसान की जान बच जाएगी, और किसी इंसान की जान बचाना और इतनी बड़ी उसकी मदद करना ये बहुत अच्छा काम है। वरना असल तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। मुकर्रम बनाने का एक तकाजा ये भी है कि अपने जिस्म के साथ वो कोई खिलवाड़ ना करे। लेकिन यहां पर चूंकि एक बहुत बड़ी मसलहत है, किसी सामने वाले की जान बचाने का मसला है, लिहाजा इस छोटी चीज का इर्तिकाब वो कर सकता है किसी का जान बचाने के लिए। तो अपना गुर्दा किसी को डोनेट किया जा सकता है। शर्त यह है कि डॉक्टरों की मोतमद डॉक्टरों की टीम ने ये बात बताया हो कि इस आदमी का गुर्दा अगर फला आदमी में लगाया जाएगा तो जी जिसका गुर्दा निकाला जा रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होगा, और जिसमें लगाया जा रहा है उसको इसका फायदा होगा। अगर ये चीज कंफर्म करने के बाद गुर्दा डोनेट किया जा रहा है तो ये जायज है इंशाल्लाह, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये कार्य सवाब है क्योंकि इसमें किसी दूसरे इंसान की मदद की जा रही है, उसकी जान बचाई जा रही है।